पानी डाल देती हूँ। अब सबको टेस्टी साग बना है, बहुत ही मस्त बना है साग। और हमारे गांव में साग और चावल। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सभी बिल्कुल ठीक है। देखिए सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह से उठी और देख रही हूँ बहुत तेज बारिश हो रही है। आदिवासियों के उठी और बहुत टेंशन में है क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये जाएगी नहीं बाहर ना बाबू, टेंशन है तुमको बहुत ज्यादा, दुकान कैसे जाऊंगी? हाँ, दुकान जाने का दीवा को बहुत टेंशन है, जाकर जो बिस्किट लाएगी इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन है। कोई बात नहीं, बारिश जब बंद हो जाएगा फिर चली जाना। पानी तो बरस जाएगा लेकिन है ना कीचड़ कैसे? कीचड़ जो रहेगा बहुत सारा तो अदीबा के पैर में लग जाएगा, इसीलिए डर रही है अदीबा। हाँ पानी भी तो रहेगा, देखो कितना आवाज हो रहा है। क्या आवाज हो रहा है? आसमान बादल बोल रहा है ना, बादल कम हो रहे हैं आवाज हो रहा है, पानी ला रहा है, पानी ला रहा है। हाँ बरसा नहीं रहा है, पानी लाकर बरसाता है। कहाँ से लाता है? एक किलो है ना बीच वाले आसमान में लाकर, एक किलो लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? हाथ में से फिर बदलता है, लेकर आ जाता है। अच्छा तुमको किसने बताया ये सब? अपने बंसी बुला देता नीचे। बहुत प्यार आ रहा है अम्मी पर, क्या बात है बाबू को? मेरी बाबू मुझसे बहुत प्यार करती है ना बाबू। ठंड लग रहा है अभी, ठंड लग रहा है, गर्मी में किसको ठंड लगता है, बारिश के वजह से ठंड लग रहा है। गाय तो बहुत सारा मस्ती हो गया अदीबा का, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए और अदीबा अभी खेलेगी। ठीक है बाबू, तुम खेलना और मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बना लेंगे फिर साथ में रहेंगे अदीबा की। नहीं मम्मी, मेरे को मोबाइल चाहिए। मोबाइल अभी चाहिए? देखिए अभी से ही इसको मोबाइल चाहिए। मैं किचन में जाऊंगी और ये मोबाइल लेगी। क्यों खाना मैं भी बना लूं? तुम खाना बनाओगी? तुमको आता है बनाने के लिए? हाँ। क्या क्या आता है बनाने के लिए बताओ तो सबको। रोटी और बर्तन मांजने आता है। ओ, बर्तन भी धोने आता है तुमको? और सब्जी बनाने। सब्जी भी बना लेती है? कौन सा सब्जी बनाती है? आलू का सब्जी। आलू का सब्जी आता है? बिजली पानी ऊपर चला रहा है, अब बिजली आया पानी ला रहा है, तब ना चमक रहा है बिजली उधर, और इधर उधर चमक रहा है। अब देखिए अदीबा मुँह खुला के बैठ गई। अरे मम्मी मैं तो नीचे बैठी हूँ। नीचे क्यों बैठी है? तो नाश्ता नहीं बनाए, तुमको ही लेकर रहे हैं, बताओ। हाँ तो नाश्ता बना आई, नाश्ता आप बनाइएगा, मैं मोबाइल चलाऊंगी। अच्छा जी, चलो उठो आ जाओ मेरे पास। अभी मोबाइल लेने का टाइम नहीं है बाबू। गाइस तो मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए अम्मी लेकर आई है साग, तो साग को मैं पहले बना लेती हूँ। और देखिए इसमें पत्ता को अच्छे से देखकर उसके बाद निकालना पड़ता है, इसमें कीड़ा रहता है मकड़ा जो भी रहता है, तो सारे को निकाल लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से बनाकर धो लिए, धोने के बाद अब जा रही हूँ बनाने के लिए। गाइस तो डॉक्टर ने मना किया है कि तेल मसाला बहुत कम खाने के लिए, तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ साग को। प्याज और हरी मिर्च सिर्फ डाले हैं इसमें। चना दाल को अच्छे से धो दिए हैं, चना दाल भी देंगे। चना दाल देने के बाद बहुत ही टेस्टी बनता है साग। देखिए साग अच्छे से गल गया, अब इसमें पानी डालकर और दाल डाल देंगे।
अब पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद आप दाल डालेंगे। अब दाल डाल देती हूँ। अब सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और कुकर को बंद करके 5 सीटी लगाऊँगी, उसके बाद बन जाएगा दाल। नमक डाल देती हूँ। 5 सीटी लग चुका है। अब गैस को बंद कर देती हूँ। साग बन गया है। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। साग को देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और बहुत ही टेस्टी साग बना है। खाना बन गया है, देख सकते हैं आप। साग और चावल देखिए बहुत ही मस्त बना है साग। और हमारे गांव में साग और चावल बहुत ही शौक से सब खाते हैं।